तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक नए और एक फ्रेश वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर इस नए मॉडल वाले स्वराज ट्रैक्टर्स में क्या क्या बदलाव हुए हैं और कंपनी ने इसमें पुराने की अपेक्षा इसमें क्या क्या नए फीचर्स प्रोवाइड कराए हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपको इस ट्रैक्टर में कितना वारंटी मिलता है और इसका जो सर्विस इंटरवल है वो भी एक खास चीज़ है इसमें। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, सभी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए अपने इस खास वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस ट्रैक्टर की अगर हम लुक्स की बात करें तो काफ़ी आकर्षक लुक्स कंपनी ने प्रोवाइड कराए हैं, क्योंकि पहले जो था वो पीस पीस होके खुलता था, लेकिन ये अभी सिंगल पीस बोनड हो चुका है और बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन के साथ इसे कंपनी ने बनाए हैं। और फ्रंट में आपको दोस्तों LED DRLs भी मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही आकर्षक बनाते हैं इसके लुक्स को। और फ्रंट में आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया जाली भी प्रोवाइड की गई है, और साइड में भी आपको जाली मिल जाती है, क्योंकि दोस्तों ट्रैक्टर इससे गर्म नहीं होता है। और फ्रंट में आपको दो हेलोजन हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। और दोस्तों, कलर कॉम्बिनेशन तो आप देख सकते हैं, वाइट और ब्लू का जो कॉम्बिनेशन कलर आता है, और रेड और वाइट भी आपको इसमें मिल जाता है दोस्तों। और इसका जो फेंडर का डिज़ाइन आप देख सकते हैं, काफ़ी मजबूत बनाया गया है पुराने की अपेक्षा। और आप देख सकते हैं ये है पूरा नए लुक्स वाला स्वराज ट्रैक्टर। दोस्तों, इस लुक्स के साथ 5 ट्रैक्टर लॉन्च हुए हैं, जो कि है स्वराज 843XM, स्वराज 742XT और स्वराज 744FE, स्वराज 744XT और 855FE। दोस्तों, ये 5 ट्रैक्टर इस नए लुक्स के साथ लॉन्च हुए हैं और काफ़ी आकर्षक इसमें लुक्स दिया गया है दोस्तों। और इसमें आपको 2-व्हील ड्राइव साथ ही साथ 4-व्हील ड्राइव दोनों का ऑप्शनल मिल जाता है सभी ट्रैक्टरों में, खाली 742 जो है वो खाली 2-व्हील ड्राइव में आता है। तो दोस्तों, आपको इस ट्रैक्टर में 3-स्टेज ऑयल बाथ वाला एयर फिल्टर देखने को मिल जाता है, और इसमें जो आपको इंजन मिलता है फुल्ली वाटर कूल्ड इंजन मिल जाता है, जो कि कूलेंट से कूल होता है। और इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कंफर्टेबल सीट भी दिया गया है, बहुत ही एक्स्ट्रा कुशनिंग वाला। और दोस्तों, इस ट्रैक्टर में आपको पावर स्टीयरिंग भी देखने को मिलता है, जो कि सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग दोनों के साथ मिलता है आपको। तो दोस्तों, इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें भी आपको ऑप्शन मिल जाता है 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स और 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स दोनों ऑप्शन के साथ मिल जाता है। और गियर आपको दोस्तों साइड शिफ्ट गियर मिल जाता है और सेंटर शिफ्ट गियर मिल जाता है। साथ ही साथ ये गियर जो है आपको पार्शियल कांस्टेंट मैश सिस्टम के साथ मिल जाता है। दोस्तों, इस ट्रैक्टर में काफ़ी ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसा किसान भाई को चाहिए वैसा ऑप्शन आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस ट्रैक्टर की अगर हम इंजन की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा इंजन अभी इस नए वाले स्वराज में आपको मिलेगा। पुराने में थोड़ा कम पावर मिलता था, लेकिन इसमें इसका जो पावर है उसे बढ़ा दिया गया है। आप देख सकते हैं यह है स्वराज 744FE, और इसमें दोस्तों आपको मिलता है 3307cc का दमदार इंजन। 3 सिलेंडर तो सभी ट्रैक्टर में आपको मिलेंगे, लेकिन स्वराज 843XM जो है 2-व्हील ड्राइव उसमें आपको 4 सिलेंडर मिलता है 2730cc के साथ। और दोस्तों 855 आपको मिलता है 3478cc के साथ, और जो 742XT है वो भी आपको 3307cc के साथ मिल जाता है। दोस्तों, इसमें इंजन को बहुत ही दमदार बनाया गया है इस ट्रैक्टर में। और दोस्तों, इसमें आपको इंडिकेटर भी ऑप्शनल मिलता है LED और सिंपल। जो टॉप मॉडल है उसमें आपको LED इंडिकेटर मिलता है, और सिंपल बेस मॉडल में आपको जो सादा इंडिकेटर है वही आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इसके जो साइलेंसर में है ये एक बड़ा चेंज किया गया है, आप देख सकते हैं प्रोटेक्शन कवर के साथ आपको इसमें अभी साइलेंसर देखने को मिलता है। और दोस्तों, इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इसमें आपको डिजिटल और एनालॉग दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। जो टॉप मॉडल है उसमें आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, और जो बेस मॉडल है उसमें आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। और दोस्तों, PTO की बात करें तो इसमें आपको 540 और मल्टी स्पीड रिवर्स PTO आपको इसमें देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है, सभी ट्रैक्टरों में आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इसमें IPTO क्लच भी मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया रहता है आपको PTO चलित उपकरण चलाने के लिए।
और इजी हिच सिस्टम भी मिल जाता है दोस्तों। आप एक इंसानी अपना जो इम्प्लीमेंट है वो आसानी से लगा सकता है इस लीवर के सहायता से। पीछे यहाँ पे लीवर दिया गया है और दोस्तों इसमें आपको डबल डीसीवी वाल्व भी मिल जाता है जो कि बहुत ही बढ़िया रहता है एमबी प्लाव वगैरह चलाने के लिए। और लिफ्टिंग कैपेसिटी दोस्तों इन स्वराज 744 और 855 में 2000 केजी की लिफ्टिंग कैपेसिटी भी मिल जाती है जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और दोस्तों ट्रैक्टर तो काफ़ी नया डिज़ाइन के साथ कंपनी ने लॉन्च कर दिए हैं, बहुत ही आकर्षक डिज़ाइन है और बहुत ही बढ़िया ट्रैक्टर है दोस्तों ये। तो आखिर में इसकी सर्विस इंटरवल की अगर हम बात करें तो दोस्तों आपको इसमें 400 घंटे की सर्विस इंटरवल मिल जाती है जो पहले 250 में था अभी 400 हो चुका है, जो कि किसान के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और साथ ही साथ दोस्तों वारंटी भी बढ़ चुकी है, 6 साल की आपको इसमें वारंटी मिलती है जो कि बहुत ही लाजवाब चीज़ है और आप इस ट्रैक्टर से इस चीज़ों का फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे स्वराज के सभी नए मॉडल्स वाले ट्रैक्टर। मैं आपको कौन कौन से इसमें फीचर्स है वो सब चीज आपको बता दिया और अब दोस्तों इन ट्रैक्टरों का सिंगल सिंगल रिव्यू करेंगे जो कि अपने चैनल पे ही आएगा। तो उसे देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकॉन को ऑल पे सेट कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही फ्रेश और नए वीडियो के साथ।